All right, hey guys, what's up everybody, this side Paradox P और how to edit Sarvind, आप जिस भी नाम से मुझे जानते हो और ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते अब ज़्यादा। तो यहाँ ये मेरी इमेज थी और मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी और आप सबने बहुत प्यारा सपोर्ट दिया यार, थैंक यू गाइज, जिसने भी सपोर्ट करा है, कमेंट करा है, शेयर करा है, सो सब भाइयों को और इतना प्यार देने के लिए यार बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ। ट्यूटोरियल बहुत बेसिक है लेकिन थोड़ा अपडेटेड वर्जन है कि मैंने ये ब्लू कलर की शेडो बनाई है, ये बनाई है, तो बातें होती रहेंगी अभी, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ ट्यूटोरियल के साथ थोड़ा। सो ब्रेक डाउन आप देखते जा रहे हो कि कैसे कैसे दिख रही हैं फोटोज़। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने गॉजियन ब्लर नहीं डाला था, थोड़ा सा डाला था, तो यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड सिंपल है और कोई ज़्यादा मैसी नहीं है। ये अनस्प्लैश से लिया है मैंने, अनस्प्लैश, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैंने लिट डार्क करा है। डार्क करने का रीज़न वही है जो हर वीडियोस होता है, हाइलाइट्स के साइड से नीचे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने स्मोक ऐड करा था कि जब मैं स्टैंड हूँगा तो मुझे स्मोक चाहिए अपने पीछे, और मैंने इस पे आउटर ग्लो डाला था थोड़ा सा। आउटर ग्लो से आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है, लेकिन यहाँ मेरे को लगा नहीं था। अगर आपको ग्लो कलर अलग चाहिए कि आपका स्मोक जिस कलर का हो तो आप आउटर ग्लो डाल सकते हैं, समझाने के लिए रखा था मैंने कि हर बंदे को समझ में आए। अब यहाँ मैंने इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रखी है थोड़ी सी कि यहाँ एक फॉग टाइप सा क्रिएट हुए जब मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ अपने आप को और मेरी आप फोटो देख सकते हैं, ये घर में खींची हुई है वाइट बैकग्राउंड पे, और जस्ट मैंने इजीली मास्क कर रखा है। अगर आपको मास्क करना नहीं आता है तो पेन टूल है और मेरी एक वीडियो है, उसे आप पूरा देखिए, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि पेन टूल कैसे चलाते हैं और इजीली मास्क कैसे बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कटिंग एंड फिटिंग आपको दिखाने में और डायरेक्ट ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूंगा। अभी यहाँ कुछ मैच नहीं है बैकग्राउंड, ना कलर आए ना कुछ आया मेरे पीछे, तो जस्ट मैंने कर्व से एक शेडो टाइप से क्रिएट करी है। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ शेडो कैसे क्रिएट कर रखे हैं। मैंने कर्व दिखा देता हूँ आपको, कर्व बिल्कुल नीचे कर रखा है मैंने, स्लाइटली डाउन, कि मेरा जो मेरी यहाँ पे हाईलाइट्स हैं वो सारी छुप जाएँ। तो मैंने सारी हाईलाइट्स छुपा दी हैं और जो जो मुझे चाहिए थी बस मैंने वो शो कर रखी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने फेक करी है लाइट को बिल्कुल, कि पीछे से पड़ रही है, आगे से नहीं पड़ रही है अभी लाइट। तो ये अभी मेरा मेन मोटिव था कि मुझे ये अचीव करना है। बाद में वो जो कैल्विन क्लाइन ग्लो कर रखा है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे ग्लो करा था मैंने उसे, और बहुत ही सिंपल है यार, आप समझ जाओगे। सो यहाँ पे ये शेडो मैंने कैसे क्रिएट, हाईलाइट कैसे क्रिएट कर दी और इजीली ब्लेंड है फोटो के अंदर। तो यार इसका बहुत सिंपल और छोटा सा रूल है, ये है कलर रेंज। हर फोटोशॉपर नहीं बताता ये आपको कि आप कलर रेंज यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ करो। सो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सो यहाँ क्लिप कर दिया मैंने एक लेयर और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ये एरिया, मुझे इस एरिया की हाईलाइट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं जाऊंगा अब सेलेक्ट कलर रेंज और मैं यहाँ से सैम्पल्ड कलर से हटा के हाईलाइट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब कुछ ऑड इवन टाइप्स आएगा लेकिन मैं यहाँ आई ड्रॉपर टूल है उससे जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा कि मुझे ये चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो अब उसने सेलेक्ट कर लिया है, इतना कोई वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है। तो आप फजीनेस से देख सकते हैं कि आपको कितना पिक्सलेटेड चीज़ चाहिए और कितने कम पिक्सलेटेड चीज़ चाहिए। तो यहाँ जैसे जैसे आप इसे डिक्रीज करते जाएंगे रेंज को, तो वो उस लाइट को कैप्चर करेगी जो वहाँ पे है हाईलाइट्स पे। तो आप देख सकते हैं वहाँ बहुत कम सडल ग्लो लाइट चाहिए, तो सडल टाइप्स आप ढूंढे कि ये सही लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लाइट है वहाँ पड़ रही है, तो जो भी आपको सही लगे वहाँ पे। और फजीनेस हमेशा ज़्यादा करेंगे तो फिर वो डॉटेड पिक्सल पार्ट आएंगे जो मैंने फेस करी थी, और इंस्टाग्राम पे जब फोटो अपलोड करी थी वो पिक्सलेट हो गई थी, तो उसका भी मैं फिक्स बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो यहाँ जस्ट एक रफ आइडिया सा ले लेता हूँ कि हाँ इतना मेरे को चलेगा, ठीक है, ओके कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैंने कर रखा है तो इसने एक और एरिया सेलेक्ट कर लिया यहाँ से,
तो ये हमारे लिए एक इशू है। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने क्लिप कर रखी है लेयर। क्लिप से क्या होगा कि वो बस इसी एरिया में अफेक्ट करेगा, इधर नहीं करेगा। तो अब मुझे जो भी कलर की शेडो चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए तो ग्लो शेडो होती है थोड़ी सी, तो यहाँ से सिंपल ओपेसिटी 10, फंडा वही सेम, और फिर यहाँ से धीरे धीरे जब आप ब्रश आउट करेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे मल्टीपल ब्रश स्ट्रोक्स लीजिए आप, करिए वहाँ पे। और कभी कभी थोड़ा वेरिएशन रखें कि 50 का भी एक दो जगह ले लें आप स्ट्रोक, वो बेटर रहेगा। और एजेस पे तो आपको रिम लाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो भी मैं बताऊँगा। और यहाँ अगर मैं इसे हटाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा वहाँ क्रिएट हो गया, एक शेडो टाइप सा। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो ये जूम करके और ये पिक्सलेशन आ गया है। अब ये पिक्सलेशन मैंने अपनी फ़ोटो में नहीं हटाया था, और जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी थी क्योंकि टाइम हो गया था, 6 बजने वाले थे, तो जस्ट मैंने अपने आर्ट को ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे, और थोड़े एक लिटिल बिट गाइड फिक्स से कि ये आपको दिखे ना पिक्सलेशन इतना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जूम पे इतना नहीं दिखता है, लेकिन फ़ोटो में दिख जाएगा आपको मेरी अगर आप जूम करेंगे। तो इसका हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है, यहाँ से आप मिक्सर ब्रश सेलेक्ट करें, ठीक है, और उसी को धीरे 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 जहाँ आपको लगे ना कि आपकी पिक्सलेशन ज़्यादा हो रखी है तो वहाँ वहाँ सेलेक्ट करके ये देख सकते हैं आप, इजीली वो पिक्सल वाले एरियाज हटा सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 आप इजीली वो पिक्सल वाले सारे एरिया हटा देंगे जो होने नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते आप ये सारी चीज़ें हटा सकते हैं, ठीक है। एक ये सिंपल तरीका है शेडो क्रिएट करने का, और बहुत ही फास्ट तरीका है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो फिर आप जाइए फिल्टर ब्लर, गॉजियन ब्लर में, और यहाँ थोड़ा सा एक रेडियस रखिए अराउंड 9, या जो भी आपको सूट करे अराउंड ये, जब आपको पिक्सल दिखने बंद हो जाए। तो यहाँ मेरे को यहाँ पे आते ही ये पिक्सल दिखने बंद हो जा रहे हैं 9 पे, और फिर मैं डबल क्लिक करके और अंडरलाइन लेयर से इसे सेपरेट कर दूंगा। सो यहाँ तब भी ये शेडो क्रिएट है अच्छे से, और वही चीज़ है। और अगर मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ तो, और क्लिप कर दूंगा वहाँ पे, देखिए अगर मैंने क्लिप नहीं करी है तो वो बाहर निकल रही है चीज़ें, अब यहाँ क्लिप करते वो सब अंदर आ गई। तो यहाँ शेडो अच्छे से क्रिएट हो गई, और इसका थोड़ा और आपने वो बढ़ा देना है अंडरलाइन लेयर कि वो कम इफेक्ट करें, लेकिन ग्लो ब्लाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत सीधा और तेज़ तरीका है आपको शेडो क्रिएट करने का, और रियलिस्टिक वे में करने का है। अगर आपको मैनुअल वे में करना है तो मैनुअल वे भी बताता हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ ये मैंने शेडो क्रिएट कर दी है, और फिर उसके बाद मैंने इधर भी सेम पैटर्न से मैंने शेडो क्रिएट कर रखी है। तो ये बहुत ही सही तरीका आप देख सकते हैं जस्ट एक लाइट क्रिएट करने का। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा कि मेरे को यहाँ ऑरेंज चाहिए था और यहाँ ब्लू चाहिए था, क्योंकि ये दो एक ऑरेंज एंड टील कलर फॉर्म करते हैं और ये अच्छा लगता है देखने में, तो फिर मेरे को चाहिए था। और यहाँ टोपी में मेरे ये वाला येलो कलर था तो मैंने यहाँ येलो करा था, और सेम तरीके से मैंने करा था, कलर रेंज सेलेक्ट करके वो एरिया सेलेक्ट करा, यहाँ ये एरिया सेलेक्ट करा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा जैकेट का हल्का सा काम करा था, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है ये मेन कैल्विन क्लाइन ग्लो, तो और वो जो लाइनिंग है अभी मैं बताऊंगा आपको वो भी कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ कैल्विन क्लाइन का ग्लो कैसे आया था मेरे पे, ये वाला जो दिख रहा है आपको इमेज में, तो इसे ब्रेक करता हूँ मैं सारी चीज़ों का। हाँ, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्लो का पार्ट है वो है ये, मैंने हर चीज़ को कलर रेंज से जाके सेलेक्ट करा है। तो कलर रेंज आप देख सकते हैं मेरे मानने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है, और कम कम यूज़ करते हैं बंदे। तो यहाँ जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और रेंज को कर देंगे कम, तो जब आपको एक स्वीट स्पॉट मिल जाए और जिसमें आपको कैल्विन क्लाइन आपका सेलेक्ट हो जाए, तो हिट ओके कर दें और आपका ये पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको मैंने एक ये कलर है सिंपल ब्रश ऑल्ट, तो ये कलर है इससे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और मैं इसी से ही पेंट कर दिया इसी के ऊपर। अभी मैंने कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करा है, लेकिन वो बढ़िया लग रहा है देखने में मेरे को। तो जब मैंने उसे मास्क आउट करा अच्छे से, बिल्कुल क्लीन कर दिया, फिर
फिर उसके बाद मैंने एक 10% का ग्लो डाला, हल्का सा ग्लो कैसे डाला है यहाँ पे 10% का, सिंपल आपने यहाँ जाना है फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, और यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कोई भी अमाउंट जो आपको लगे, और जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ग्लो अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, और ये जैसे ही आपने सेलेक्ट कर रखा है, और फिर उसके बाद एक और ग्लो ऊपर से डालना है, ठीक है। अब ये ग्लो अलग अलग टाइप का है, यहाँ मैंने 10% ओपेसिटी का भी ग्लो डाला है और सिंपल वो गॉसियन ब्लर वाला डाला है। 10% ओपेसिटी वाला ग्लो कैसे होगा, यहाँ पे जस्ट आपने लेयर बनानी है और अपने ब्रश को बड़ा करना है और अराउंड 10% लेना, और देखिए ये साइड में अगर मैं ग्लो डाल रहा हूँ तो ये काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा है हर चीज़, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ग्लो भी बहुत काम आता है 10% वाला, जब आपको हाइलाइट्स क्रिएट करने होंगे, अभी आगे बहुत यही चीज़ें काम आएंगी। और यहाँ अभी ये कैल्विन क्लाइन के ग्लो को मैंने यहीं छोड़ दिया है, ज़्यादा मैंने अभी इस पर वर्क नहीं करा है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसके ऊपर लट्स डालूंगा तो मैं इसे कटआउट कर लूँगा और ईजिली ये बहुत अच्छा और उभर के आएगा ग्लो अभी। तो फिर मैंने यहाँ ह्यू से चेंज कर रखी है अपनी, क्योंकि तो मुझे इधर ऑरेंज चाहिए था, तो यहाँ मैंने जस्ट ये सिंपल चेंज कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडर चिन ग्लो करा है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं अंडर फेस ग्लो है। तो अंडर फेस ग्लो का क्या है, यहाँ मेन रोल था कि जब कैल्विन क्लाइन ग्लो हुआ तो यार मेरे फेस के अंदर भी तो ग्लो आएगा, तो मैंने यहाँ देखे बहुत ही लाइट तरीके से धीरे 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 मैंने पेंट कर रखा है, और इसी को रिम लाइटनिंग बोलते हैं इजीली जो करते हैं। तो ये भी मैं बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है रिम लाइटनिंग, और सबका आज ट्यूटोरियल है मोस्ट। तो यहाँ आप ऐसे कुछ ड्रॉ कर लीजिए अपना, ठीक है, और फिर इरेजर सेलेक्ट करिए और जस्ट धीरे धीरे उसे इरेज करिए कि आपके स्ट्रोक्स ना दिखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा बना है अभी ग्लो, ठीक है। अगर मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ तो और कितना प्यारा दिख रहा है, अगर मैं इसे ओवरले के ब्लेंडिंग मोड में भी डाल दूँ तो वो देखिए कितना प्यारा ग्लो आ गया है वहाँ पे ईयर्स पे। तो इसी पे अगर आप थोड़ी ज़्यादा वर्क करेंगे और ऐसे ही रेज करके, तो आप ज़रूर क्रिएट कर लेंगे, और बहुत ही ईजी होते हैं ये ग्लो करने। और फिर मैंने फेस के नीचे भी यही टेक्निक सिंपल सी लगा रखी है, और उसके बाद मैंने उसी को डुप्लीकेट कर दिया कि और अच्छे से ग्लो लगे, अब वो रियलिज्म में आ गया। ये थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं दिख पाती हैं, लेकिन हाँ हम करते हैं। और यहाँ मैंने नेक पे भी कर रखा है, ये 10% ओपेसिटी वाला ग्लो है, ठीक है। और यहाँ थोड़ा मैंने यहाँ बियर्ड वियर्ड में भी रखा है कि हल्की हल्की लाइटिंग यहाँ पे भी आएगी। और उसके बाद यहाँ एक टोपी में भी मैंने ग्लो बनाया सेम यही तरीका, और यहाँ पे ग्लो सेट कर रखा है कि टोपी पे भी तो फॉल करेगा वो। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपका ग्लो कहाँ जाने वाला है, तभी आप अच्छे से ग्लो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो यार ग्लो समहाउ अच्छा नहीं बनेगा। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे कैल्विन क्लाइन को अच्छे से ग्लो करने का, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था बहुत ही हाईलाइटेड वे में, और क्योंकि ये मेन पार्ट था मेरी फोटो का, तो मैंने जस्ट इस पर 10% ओपेसिटी वाला वही सेम ग्लो दे रखा है, खूब ब्रश से पेंट कराया और फिर एट दी एंड अंडरलाइन से थोड़ा सेपरेट कर दिया। ये देख सकते हैं आप 10% ओपेसिटी वाला ग्लो ऐसे दिखता है, फिर जब अंडरलाइन करेंगे आप थोड़ा सा स्प्लिट तो वो बहुत अंदर अंदर जाके बिल्कुल सेटल हो जाएगा, मतलब ब्लैक्स पे इफेक्ट नहीं करेगा, जहाँ भी लाइट्स पार्ट होंगे वहाँ पे ही इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत मेन पार्ट है, अगर आप फोटोशॉप को थोड़ा डीप में करेंगे ना, या किसी बंदे के ट्यूटोरियल भी देखेंगे, तो वो ये चीज़ें जल्दी स्किप कर देंगे, आपको बताएंगे भी नहीं कि इनसे क्या क्या होता है। फ्लर्म के ट्यूटोरियल्स हैं, उनमें ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है, और बहुत बंदे यूज़ करते हैं लेकिन बताते नहीं है यार ये सब चीज़ें, तो ध्यान दीजिए आप, देखिए। और यहाँ पे ये जो मैंने ग्लो डाल रखा है, तो ये सिंपल ऐसे ही वाला है ब्रश है, सिंपल धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही 10% वो 100% ओपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन लेयर ज़्यादा है, समझे आप। तो यहाँ फंडा यही सब चीज़ का है, और फिर उसी को डुप्लीकेट कर रखा है मैंने कि वहाँ एक बहुत अच्छा सा शेड वो लाइट रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाए। उसके बाद एक मैंने लेंस फ्लेयर ऐड करी है कि मेरी लाइट इधर से आती हुई लगे, पीछे
पीछे से नहीं, इधर से आती हुई लगे। फिर उसके बाद मैंने उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रखा है सियान टाइप का, सैचुरेशन और ह्यू से। और सुहेल फोटो के जब आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको, HSL स्लाइडर्स क्यों यूज़ करे जाते हैं किसी भी कलर को चेंज करने के लिए, तो आप ज़रूर उनके ट्यूटोरियल्स भी देखें। और यहाँ मैंने कर्व सेलेक्ट कर रखा है, एक एस कर्व डाला है जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ही फेमस है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है उसने मेरे फोटो में। और उसके बाद मैंने शार्पनेस डाली थी इमेज में, ठीक है। तो शार्पनेस डालने के बाद अब आप देख सकते हैं जो नॉइज़ होती है वो मेरी फ़ोटो में आनी चालू हो गई है यहाँ पे। तो ये मैंने नोटिस नहीं करा था क्योंकि मैं जूम वर्क नहीं कर रहा था, मैं इतने दूर से वर्क कर रहा था इस फ़ोटो पे। तो ये अपलोड के टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक लट अप्लाई कर रखा है, जस्ट डार्क कर रखा है मैंने, ठीक है, पूरा डार्क कर दिया था इमेज को, आप देख सकते हैं पूरा डार्क कर दिया है, और जस्ट इसको रेड टाइप का ग्लो दे रखा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे ये वाला पार्ट ना बहुत ही अलग पॉप होने लग गया। तो ये बेटर था तरीका मेरे लिए कि मैं इसको अच्छे से ग्लो कर दूँ, और फिर मैंने यहाँ ऐसे रखा, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा स्मूथ फ्रंट में भी ऐड करा कि पीछे है तो यार यहाँ पे भी होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने एक फाइनल कलर ग्रेड मारी इसमें, और मैंने अपनी फ़ोटो कर दी रेडी। तो जो आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझाना था वो था कैल्विन क्लाइन ग्लो करना, लाइट ड्रॉ करना, और कैसे अपनी हर चीज़ पे हुडी पे यहाँ पे लाइट कैसे लाई जाती है। और फ्रॉम दिस टू दिस आए हम, तो इसके लिए ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर आएँ और मुझे सपोर्ट करें। नीचे एक लिंक ट्री की ऐप होगी, लिंक होगी, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो हाउ टू एडिट चैनल नाम का एक टेलीग्राम पेज सब है, और हर चीज़ वहाँ पे गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। और बहुत मंद हो गया है टेलीग्राम ग्रुप के रिगार्डिंग के लिंक नहीं खुल रही है, लिंक खुलेगी यार जब आप गूगल क्रोम में खोलोगे उसे, कोई यूसी ब्राउज़र और इनमें ओपेरा में ये रिफ़्रेश नहीं होते हैं ब्राउज़र, इसलिए रिफ़्रेश नहीं हो पाते, तो लिंक लोड नहीं हो पाती है और आपके पेज में नहीं खुलती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आप उसे गूगल क्रोम से खोलें।